नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार ने लगातार शिक्षा सुधारने को लेकर फरमान जारी कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में छुट्टी की कटौती को लेकर भाजपा के लोगों में उबाल है और इसी कड़ी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नगर थाना चौक से भाजपा का कार्यकर्ताओं का एक विरोध मार्च विभिन्न रास्तों से होता हुआ कैंटीन चौक पहुंचा, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे राज्य में हिंदुओं की छुट्टी में कटौती को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति कर बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। जिले में जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टियां दी जाती हैं या शिक्षकों की पढ़ाई के नाम पर हिंदू बच्चों को भारतीय संस्कृति से दूर रखने का षड्यंत्र है। वो युवराज हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, भड़क सकते हैं, लेकिन पिताजी जैसी बात बोलेंगे उसी तरह की भाषा ये भी बोलेंगे। पिताजी देश के प्रधानमंत्री का लल्ली थे, गर्दन पकड़े जब वो मुख्यमंत्री थे। अगर उस समय कोई कहता कैसा, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या निर्णय होगा, क्या होगा। लेकिन आज़ादी के बाद 67 तक देश में यही होते रहा। आज विकास के लिए ये जरूरी है। बिहार के संस्कार और संस्कृति का के ऊपर पहाड़ है और ये एक करेला ती दूजे नीम चढ़ाए। कभी लालू यादव जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो सिमनी का ऑफिस था और नीतीश जी में PFI फल फूल रहा है। ये बिहार की जनता, बिहार का हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये शिक्षकों के साथ अन्याय केवल नहीं है बल्कि बिहार के सनातनी बच्चों और संस्कार और संस्कृति के प्रति एक पहाड़ है, इसे वापस लें। इसके विरोध में हम सभी लोग आज नीतीश जी का पुतला का दहन इस कैंटीन चौक पर किया है और जब तक ये छुट्टी फिर से जो स्थिति पहले थी बहाल नीति सरकार नहीं करेगी तब तक ये संघर्ष सड़क से सदन तक हमारा चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वोट की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और जो बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू समाज, उसकी अनदेखी, उसका अपमान, उसके त्योहार का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से जो फैसला आज जो निर्णय आया है छुट्टी रद्द करने के लिए हिंदुओं के त्यौहार का, और वह एक तरह से सरकार का वोट की राजनीति के लिए जो बहुसंख्यक वर्ग है उसका अपमान है। आप 6 सितंबर को देखिए चहलनुम है, उस दिन छुट्टी है, और 7 तारीख को जन्माष्टमी है, उस दिन छुट्टी नहीं रहेगा। सारे विद्यालय, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो दुर्गा मंदिर के बगल में बने हुए हैं, लाउडस्पीकर बजेगा तो कैसे विद्यालय में पढ़ाई होगा। और इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री शायद यह कहेंगे कि नवरात्र में दुर्गा मंदिर पर लाउडस्पीकर भी नहीं बजेगा। इस तरह का फरमान जारी करके वह बहुसंख्यक समाज को, जो हिंदू समाज है, उसको पूरी तरह से उसकी अनदेखी और उसका अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो पर्व है हिंदुओं का, आप मुसलमानों के पर्व में तो छुट्टी दे रहे हैं, आप दीजिए, हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन आप हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ अभी शुरू हो रहा है, अगले 5 महीने तक लगातार पर्व त्यौहार है, लेकिन आपने जो विद्यालय के शिक्षक हैं उसकी छुट्टियां रद्द कर दी। 50% महिला शिक्षिका हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो नवरात्र का व्रत करती हैं, वो कह रही हैं कि हम कैसे अब दुर्गा पाठ करेंगे, कैसे पूजा करेंगे और कैसे विद्यालय जाएंगे। तो यह एक तुगलकी फरमान है और नीतीश कुमार जी इसको लेकर के और हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, इसका हम सब विरोध करते हैं।